मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया है राजस्थान वालों की आवाज को भाई, ऐसे बोलोगे क्या? राजस्थान के गांव गांव में आवाज जानी चाहिए, घर घर में आवाज जानी चाहिए। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष, अध्यक्ष जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, भाई अरुण सिंह जी, डॉक्टर अलका सिंह जी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, जसकोर मीणा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके जिम्मे पूरे देश के हर घर में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, ऐसे भाई गजेंद्र सिंह जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमान अर्जुन राम जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी, श्री राजेंद्र राठौड़ जी, अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय परनामी जी, राजेंद्र गहलोत जी, मंच पर उपस्थित सारे सांसदगण, संगठन के सभी पदाधिकारी और आज राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधियों, सहकारी नेताओं और मेरी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, बहुत समय के बाद मैं ये महान राजस्थान की भूमि पर जयपुर में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये राजस्थान की भूमि वीरता दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरह फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दीर्घादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया और आज वो ही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मित्रों, कल
मैं जैसलमेर था, रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहां से जो पैदा होता है वो आन बान और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानता है। मां तनोट के दर्शन कर मैं यहां आया हूं और आप सबके बीच में आया हूं, तब आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में दो तिहाई बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र में के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर, भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक चली, कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेले, जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे मित्रों। और ये पार्टी की यात्रा बढ़ती 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 पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग ताली बजा रहे हो मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई, तब भी 25 में से 23 सीटें देने का काम यही मेरे राजस्थान के लोगों ने, यही मेरे राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं ने किया था। तो मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि ही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। और बहुत कुछ किया है 7 सालों में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के लिए। मित्रों, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 70 के 70 दशक में दिया नारा, 2014 में मोदी जी आए तब भी करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं था, करोड़ों गरीबों के घर में बिजली नहीं थी, करोड़ों माताएं टहनियां और कंडे जलाकर खाना पकाती थी, धुआं खाती थी, गरीब के स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं था, गरीब की भूख भरने का कोई रास्ता नहीं था, गरीब मां और बच्ची के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी,
कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था। गरीब हटाओ का काम, गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। और 7 साल के अंदर ही मैं आज कह सकता हूं हर गांव में बिजली है और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर, 11 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय बनाकर बच्चियों और माताओं को शर्मसार होने से बचाया है। वो आज शर्मसार हुए बगैर अपने घर के साथ अंदर सम्मान के साथ जी रही है। इनके लिए शौचालय की व्यवस्था की। 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 13 करोड़ घरों के अंदर, 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर देकर घरों को धुएं से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हर घर के अंदर 5 लाख रुपए का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, ऑपरेशन कराना हो, अस्पताल में जाना हो, दवाई लेनी हो, MRI कराना हो, कुछ भी करना हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज मोदी सरकार 60 करोड़ गरीबों का दे रही है। मित्रों, 60 करोड़ आज गरीब के ऊपर अपने बूढ़े बाप की बीमारी का कोई बोझ नहीं। किसी मजदूर को अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति का सर्जन किया है। और कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, तत्काल काफी सारी दुकानें सारी फैक्ट्रियां बंद रही, तो गरीब को रोज क्या खाना वो दिक्कत थी। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जरा आप बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया। हाँ, एक काम हुआ है, अभी अभी राहुल बाबा ट्वीट करने लगे हैं। ट्वीट तो करते हैं कम से कम, काम कोई करते हैं या नहीं करते हैं मालूम नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनंती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम करा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है, अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। मित्रों, हम यहां पर सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण के साथ साथ ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए, नई शिक्षा नीति को लाकर हमारी बोलियों को हमारी भाषाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया, ढेर सारे ऐसे कदम उठाए जिसमें हमारी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। मगर सबसे बड़ा काम किया उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का। मित्रों, 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चलती थी, कई बार पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमले किए, हमारे जवान हताहत हुए, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के सर पर जू नहीं रेंगती थी मौनी बाबा मनमोहन सिंह, कुछ नहीं बोलते थे।
मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मित्रों 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया।